सरबत खालसा में थापे गए जथेदारों की ओर से जो सिख नेता डेरों का जाकर वोट मांग रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30 मार्च को श्री अकाल तख्त साहिब पर पेश होने की बात रखने का मौका दिया है। वहीं भाई ध्यान सिंह मंड ने बताया कि जो सिख नेता डेरों पर गए थे उनकी गिनती करीब 40 के पास है और उसमें ज्यादातर नेता श्रोमणी अकाली दल के हैं और कुछ कांग्रेसी नेता हैं और कुछ नेता आम आदमी पार्टी के भी हैं। उन्होंने कहा कि कौम के जत्थेदारों से और से ये फैसला लिया गया था कोई भी सिख नेता डेरा सिरसा सौदा के पास वोट नहीं मांगेगा, लेकिन कुछ अकाली नेता हो, कुछ कांग्रेसी नेता हो और कुछ आम आदमी पार्टी के नेता डेरा सिरसा सौदा के पास वोट मांगने के लिए उनके डेरों पर पहुंचे थे। वोट मंगन गए ने हुक्मनामे की उलंघना करके साड़ी जांच कमेटी के मुताबक इन्ह की कोई 40 के करीब गिनती बनती है जिदे 28-29 बादल दल के नाल संबंधित ने और 9-10 कांग्रेस नाल संबंधित ने, एक अद्धा आम आदमी पार्टी नाल संबंधित है। सारिआं नूं इत्थे आदेश जारी करके बुलाया गया, वो अपना पक्ष पेश करन और अकाल तख्त साहब दे उद्देश दा सारे पालन करन ते अकाल तख्त साहब दे उत्ते पेश होण। थैंक यू।